हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम बात करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय बिल क्या होता है। आपको सामने स्लाइड पर दिख रहा होगा, ए एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति है बी। ए जो है वह माल को सेल करता है और बी उस माल को परचेज करता है, यानी कि ए जो है वह सेलर है और बी जो है वह परचेजर है। ए द्वारा बी को माल बेचा जाता है या फिर बी द्वारा ए से माल परचेज किया जाता है, दोनों ही एक बात है। बी द्वारा ए को माल के बदले, गुड्स के बदले मनी का पेमेंट किया जाता है। यह किसी भी व्यापार में जो होती है सामान्य स्थिति होती है। यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यदि ए द्वारा बी को गुड्स सेल किया जाता है और बी के पास उस समय पेमेंट करने के लिए मनी नहीं हो, रुपये नहीं हो, तो इस स्थिति में इस स्टेज पर बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय बिल की आवश्यकता पड़ती है। अब इस स्थिति में कि बी के पास ए से माल तो परचेज बी ने कर लिया, गुड्स तो परचेज कर लिया और ए ने उसको बेच भी दिया, परंतु बी के पास ए को पेमेंट करने के लिए मनी नहीं है, तो इस स्थिति में जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाता है कि बी यानी कि माल का परचेजर जो होता है वह माल के सेलर को यानी कि ए को कहता है एक बिल लिखने के लिए, और ए द्वारा एक बिल लिखा जाता है और उस बिल में लिखा जाता है कि मैं सेलर यानी कि ए को उससे गुड परचेज करने के बदले जो पेमेंट करूंगा वह एक महीने, दो महीने, तीन महीने, जो भी टाइम पीरियड निश्चित किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, उस टाइम पीरियड में कर दूंगा। बी द्वारा ए द्वारा ऐसा बिल लिखा जाता है और ऐसा बिल बी के पास भेजा जाता है और बी उस पर हस्ताक्षर करता है, सिग्नेचर करता है और वह उस बिल को स्वीकार कर लेता है, यानी कि उस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है। जो माल का सेलर होता है, जो माल को बेचता है यानी कि ए, वह बिल का लेखक होता है, बिल को रिटर्न लिखने वाला होता है, और जो बी होता है यानी कि माल का जो परचेजर होता है वो कि इस केस में भी है, वह जो है वह उस बिल को स्वीकार करता है और उसके स्वीकार यानी कि एक्सेप्ट करते ही यह बिल ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। अब यह बिल माल के सेलर, गुड्स के सेलर यानी कि ए के पास रहेगा और ड्यू डेट पर ए यह बिल जो है बी के सामने प्रस्तुत करेगा, प्रजेंट करेगा और बी उस ड्यू डेट को ए को पेमेंट कर देगा जो अमाउंट उस बिल में लिखा होगा। यह होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। इसको और आगे जानने के लिए मेरा यह चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको और आगे बताऊंगा अकाउंट्स के और भी कई टॉपिक। थैंक्स।